हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्ण 99 और आप सबका स्वागत है वापस से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक गेम रिव्यू करने वाले हैं बहुत सालों बाद। लास्ट मैंने कोई मिरर्स एज कैटलिस्ट या किसी गेम में किया था एंड वो इंग्लिश में था। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग करने वाले हिंदी में। तो आज हम रिव्यू करने वाले राजी द एंशिएंट एपिक और एन एंशिएंट एपिक, जो कि PS5 के डे वन टाइटल है, जो कि आज मतलब कल रिलीज हुआ एंड मैंने उसकी प्लेट भी कर ली। तो आई थिंक सो इट्स अ सेफ प्लेस दैट आई कैन से एंड टॉक अबाउट द गेम, क्योंकि मैंने प्लेट कर ली है, 100% गेम कंप्लीट कर दिया है। तो आई कुड से दैट आई हैव डन इनफ कि मैं रिव्यू बना पाऊँ इसके ऊपर। तो आई होप आपको इसमें मजा आएगा। एंड सबसे पहले तो ये कहते हैं कि एक तो ये फ्री मिली है जिन लोगों के पास प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा वाला सब्सक्रिप्शन है, या तो क्या कहते हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है या ड्यूलक्स सब्सक्रिप्शन है। तो इंडिया में प्रीमियम आता नहीं, उसकी जगह ड्यूलक्स आता है, क्योंकि क्या कहते हैं लाइक उसमें PS3 की स्ट्रीमिंग मिलती है जो इंडिया में क्लाउड गेमिंग है ही नहीं। एंड मैं और मेरे कुछ दोस्त क्लाउड गेमिंग को प्रमोट जरूर करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं हमारे एक दो लोगों के करने से कुछ होने नहीं वाला, तो इवेंचुअली वो कुछ होता ही नहीं उसका आउटकम। तो दैट्स अ थिंग। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस गेम के बारे में कि ये गेम जो है ना, ऐसा लगता है कि एट द सेम टाइम छोटे स्टूडियोज हैं, बट नहीं, क्योंकि जब आप प्रिंस ऑफ पर्शिया लॉस्ट क्राउन जैसी गेम खेल लोगे और फिर उसके बाद ये गेम खेलोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार, मतलब ये हाँ उसके मुकाबले थोड़ा छोटा है, बट इसकी जो फील है ना वो अलग है। एंड मतलब सेम जॉनरा टाइप यू कुड से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्मर थी, ये भी प्लेटफॉर्मर है एंड वो भी ऐसे 2D टाइप वर्ल्ड में थी, 2.5D या 2D वर्ल्ड में, एंड ये भी एक्चुअली उसी के अंदर है। एंड इसका प्लेट जो है ना वो बहुत ही ईजी है, मैंने कुछ करीब करीब 5 घंटे में कर लिया, तो विथ सम अनयूजुअल गाइड, क्योंकि गाइड ऐसे कोई ढंग से थी नहीं ऑनलाइन। एंड मैंने इसको प्लेट क्यों किया, उसका रीज़न ये था कि ये एक तो इंडियन गेम था, इंडियन कम्युनिटी से बनाया गया है, मतलब इंडियन लोगों ने बनाया है, तो उसकी प्लेट है और इतनी ईजी है, देन आई थिंक तो आई शुड गेट इट। तो दैट्स वॉज द थिंग। एंड इस गेम की शुरुआत जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड हाँ, ये वीडियो थोड़ी शायद स्पॉइलर में दे दूँ गलती से, तो फिर इसके लिए मैं जस्ट फॉर क्विक कॉन्टेक्स्ट में बता दूँ, इसमें शायद स्पॉइलर हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो जस्ट बी देयर अगर आप लोगों को जानना है तो। और PS5 पे हमें रे ट्रेसिंग मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हमें आई थिंक सो 4K 60 मिलता है, क्योंकि मेरे को 60 तो लगा, बट मुझे गारंटी से ये नहीं कह सकता कि नेटिव 4K था या फिर डायनेमिक 4K या क्या था, क्योंकि 60 की फील तो आई लेकिन मेरे को वो उसकी फील पता नहीं कैसी थी। तो दैट्स अ थिंग। एंड ये गेम की शुरुआत जो होती है वो ये होती है कि क्या कहते हैं अपने भाई को, इसके भाई को कोई लोग उठा के ले जाते हैं एंड ये फिर उसे बचाने जाती है, और कई एक्चुअली वो उसके भाई को नहीं, कई सारे बच्चों को लेके जाते हैं, और उसके भाई के पास एक ऐसी चीज़ होती है जो ना राजी को पता है, बस जो लोग उठा के ले गए हैं उनके लीडर को पता है। एंड क्या कहते हैं साथ ही साथ में जो हमारे नरेटर हैं माँ दुर्गा और विष्णु जी जो मेन नरेटिंग करते हैं, तो उन लोगों को पता है, एक्चुअली माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा पता है इसके बारे में, विष्णु जी को भी पता है, लेकिन जो इसमें विष्णु जी है ना वो मुझे थोड़े ऑकवर्ड लगे सच बोलूँ तो, क्योंकि ये मतलब जैसे मैंने अभी तक मतलब जैसे जो सीरीज आती हैं या फिर जो क्या कहते हैं रामायण हो गई या महाभारत हो गई या फिर क्या कहते हैं कोई और इंडियन माइथोलॉजी वाली सीरीज हो गई वो मैं देखता हूँ, तो उसमें जो विष्णु जी होते हैं वो जैसे पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है, कब होगा, क्या होगा, ये सब के बारे में पता रहता है। बट इसमें थोड़े ऐसे लगे थोड़े कंफ्यूज हैं, मतलब उन्हें पक्की श्योरिटी नहीं है या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन बाद में जब माँ दुर्गा बताती है कि क्या कहते हैं ये शिव जी से रिलेटेड है, तब उनमें जो कॉन्फिडेंस आता है और वो लास्ट में जो चीज़ें देते हैं वो तो नेक्स्ट लेवल होती है। एंड अब क्या ही बोले, माँ दुर्गा और विष्णु जी जिसके साथ हैं उनका क्या ही हो सकता है। बट हाँ, फिर इसमें काफ़ी प्लेटफॉर्मिंग आती है शुरुआत में, आप लोग शायद यूज़ नहीं हो पाओगे इससे, क्योंकि मैं भी शुरुआत में 3-4 बार ऐसे गिर के मर गया हूँ, और मैं बाद में भी मरा हूँ ऐसा नहीं है, बट वो क्या है कि जैसे मेरे को समझ में नहीं आया, पहले मेरे को लगा कि आपको स्टिक दोनों एट द सेम टाइम करनी है और जंप आपको उसी टाइम कर देनी है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्टिक से मतलब उस साइड रोटेट कर लो, जैसे एक पेड़ के ऊपर चढ़ना होता है तो पेड़ के ऊपर चढ़े, वो उस साइड रोटेट कर लिया,
फिर क्या कहते हैं, एक बार देख लो कि एंगल सही है, एंगल कैलकुलेट कर लो, अगर आप मैक्स मैक्स वाले हो, मैथ वाले हो तो कैलकुलेट करो, और फिर क्या कहते हैं आप वहां से वो पकड़ के वो रोटेट कर सकते हो। एंड वो तो अच्छी चीज है क्योंकि आपको एक बार यूज टू हो जाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। बट इसकी जो स्टोरी है वो एक्चुअली जब स्टार्ट हुई और जो बीच की है वो तो अच्छी है, लेकिन जो एंडिंग थी इस गेम की वो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग या तो देखो अगले गेम का बिल्डअप कर रहे हैं या DLC का बिल्डअप कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकी एंडिंग थी वो एक्चुअली टोटल एंडिंग नहीं थी, लाइक टोटल हैप्पी एंडिंग, क्योंकि ऐसा लगा कि इन लोगों ने बिल्डअप किया है जो एंड हुआ है उसका। तो दैट वॉज लाइक जब मैंने वो पहली बार में कंप्लीट की हिंदी में, तो मैंने पूरी गेम हिंदी में खेली, तो हिंदी सबटाइटल मिलेंगे आपको, हिंदी डायलॉग्स मिलेंगे, बट मैंने जब पहली बार कंप्लीट की, मैं कह रहा हूँ ये मैं गेम कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था इस मामले में, बट आई गेस दिस वाज दैट। एंड गेम प्ले वाइज तो अच्छा है, फन है, एंड आप एक बार यूज टू हो जाओगे तो हो जाओगे, बट इसमें कुछ ऐसे वो जानवर हैं, जैसे एक को मैंने बंदरों का नाम दिया, वो पता नहीं बंदर है भी नहीं है, वो ऐसे उछल उछल के मारते हैं, उछल उछल के मारते हैं, उछल उछल के मारते हैं, आपको धो देंगे, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा, फिर आप वो मतलब या तो इनके NPC कैसे हैं, या तो जैसे आप लोग एक बार मर जाओगे वो उनसे, फिर आप वापस वही चीज रीट्राई करोगे, तो शायद मुझे लगता है, शायद पक्का नहीं हूं मैं, कि वो जो है ना उनकी थोड़ी डिफिकल्टी अपने आप गिर जाती है, क्योंकि जब वो फर्स्ट ट्राई में मारते हैं ना वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, फिर सेकेंड ट्राई में जो मारते हैं तो थोड़ी लेस अग्रेसिव लगे मुझे, जस्ट फॉर मी एट लीस्ट, आई एम नॉट 100% श्योर दो, बट हाँ ये मेरे को थोड़े लेस अग्रेसिव लगे। एंड उसके अलावा तो फिर अब बात आ जाती है कि गेम प्ले हो गया हमारा एंड हमारी स्टोरी हो गई, तो गेम प्ले तो हमारा सब देखो एक नंबर है, लगता है छोटे स्टूडियो का है, बट लेकिन जो उन लोगों ने फन दिया है ना इस गेम में वो कई स्टूडियो बड़े बड़े मिस आउट कर जाते हैं, तो ये मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो फन है ना इस गेम का वो अलग ही है, जो बड़े स्टूडियो भी नहीं दे पाते कई बार। एंड अब मैं किसकी तरह बोल रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ कई गेम खेले हैं मैंने जिनमें गेम प्ले इतना फन नहीं है ना स्टोरी इतनी फन है, बट इसमें दोनों चीज फन है। तो अगर आप लोग इंडियन माइथोलॉजी को आप देखते हो या आप जानते हो उनके बारे में तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, सच बोलूँ तो, जैसे विष्णु जी के इन लोगों ने अवतार दिखाया, जैसे आप परशुराम, फिर राम जी, फिर क्या कहते हैं कृष्ण जी, फिर जो मेरे को देखो उसका नाम नहीं पता, जो उनका टर्टल वाला अवतार है वो दिखाया, फिर एक नरसिम्हा अवतार दिखाया, एंड फिर एक जो पिग टाइप का अवतार था यार, वो मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसने धरती को अपनी नाक पे या कहीं पे उठाया था, तो दैट अवतार दिखाया, और जो आने वाला है कल की अवतार, जो कि कहते हैं कि जब गौर कलयुग आएगा, इन सब के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बट वो जब प्रकट होगा एंड तब उसका जन्म होगा वगैरह वगैरह, तो ये सारे उन लोगों ने दिखाए हैं। एंड बाद में हमें क्या कहते हैं ऐसी पावर दे देते हैं विष्णु जी, जिससे हम नॉर्मल मॉन्स्टर को वन शॉट कर सकते हैं और जो बॉस है उसको हम दूर दूर से मार सकते हैं, बट हाँ इसमें कई बार बॉस फाइट में आप मरोगे जरूर, दैट्स द थिंग, बट बॉस फाइट तो बॉस फाइट है, उसके अलग ही फन है, इसमें आपको मतलब समझना पड़ेगा बॉस करता क्या है, क्योंकि कई बार वो ऐसे ऐसे मूव करता है, जैसे मेरे एक बॉस फाइट में था कि उसने ऐसे ऐसे मूव किए कि लाइक व्हाट कुड आई से, जैसे उसने एक अनलिमिटेड घूमने वाला मूव किया, एंड मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कभी इसका ख़त्म तो होगा, लेकिन वो ख़त्म होता ही नहीं है, आपको उसी के अंदर बॉस को मारना है, वो करता ही रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक, तो आपको वो डॉर्जिंग जो एक्स डॉर्जिंग है ना वो आपको सीखनी पड़ेगी तभी आप इस गेम को कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरे लिए मोस्टली एक्स एंड स्क्वायर था, मैंने मोस्टली उसको यूज़ किया है क्योंकि एक्स एंड ट्राइंगल थोड़ा ऑकवर्ड पड़ जाता है, एक बिल्कुल बॉटम में एक बिल्कुल ऊपर की साइड, तो या तो मैं क्लॉ खेलता तो फिर मैं यूज़ कर पाता था, या तो मैं अपने पैडल में सेट करता तो मैं यूज़ कर पाता, बट दैट्स अ थिंग। एंड उसके अलावा प्लैटिनम तो इसकी ईजी है, एंड आई गेस मैं इस गेम को रिव्यू वाइज जो स्कोर दूंगा वो है 8 out of 10, एंड इसमें क्वालिटी भी है, इसमें मज़ा भी है, सब कुछ है, एंड इसका म्यूजिक भी अच्छा है, तो या मैं इसको 8 out of 10 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हाँ मुझे थोड़े मतलब जैसे कैमरा एंगल जो थोड़े स्ट्रीफिंग थी ना, कैमरा एंगल किधर जा रहा है थोड़ा, तो वो मुझे थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि कैमरा एंगल मैं इतनी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था, कई बार ऐसा हो रहा था कि मुझे थोड़ा क्लोजअप चाहिए, मैं
क्लोजअप राजी पे हो रहा था, बट मुझे एक्चुअली एक पजल टाइप थी उस पर क्लोजअप करना था, और फिर एक बार मेरे को जूम आउट चाहिए, बट वो जूम आउट बिल्कुल बेयरली जूम आउट हुआ एंड उसके बाद वो जूम आउट नहीं हुआ. तो दैट्स द थिंग यू कुड से. एंड ये मेरे को नहीं पता अभी तक रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, बट आई होप हो रही हो. एंड जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दैट्स द थिंग कि कभी कभी जूम आउट वाला सेक्शन जो था वो थोड़ा ऑकवर्ड था, तो इसलिए मैं उस चीज़ की वजह से मैं थोड़े इसके दो मार्क्स काट रहा हूँ. बट अगर आप लोग इसको पहली बार खेल रहे हो और अगर आपको इंडियन माइथोलॉजी पसंद है देन यू गोना हैव फन, यू गोना एंजॉय इट. एंड अगर आप ट्रॉफी हंटर हो तो आप आराम से इस गेम की प्लेट 5 घंटे में कर सकते हो. इसमें चैप्टर सेलेक्ट है, उसके साथ आप कलेक्टेबल पिक करो, अगले चैप्टर में जाओ कलेक्टेबल पिक करो एंड कोई इशू नहीं है. आप जैसे ही कलेक्टेबल पिकअप करोगे वैसे एक त्रिशूल का साइन आएगा, मतलब गेम सेव हो रहा है. वंस वो सेव हो जाए आप कोई भी और चैप्टर पिकअप कर सकते हो एंड वहाँ से आप अगली कलेक्टेबल पिकअप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो दैट्स अ थिंग. सो प्लेटिनम डिफिकल्टी है अराउंड 4 एंड प्लेटिनम टाइम है अराउंड 3 to 5 hours विथ चैप्टर सेलेक्ट. एंड अगर आप नॉर्मल पे खेलते हो तो अगर आप इजी पे खेलते हो तो आपकी और भी जल्दी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है कि आपको नॉर्मल पे खेलना जरूरी है, बट हाँ इसमें जैसे जो कहानी है जैसे विष्णु जी के अवतार की या फिर दुर्गा माँ की अवतार की या फिर आदिशक्ति के अवतार की या ये सब कहानियाँ जो हैं वो आप पूरी सुनोगे ना तो हर एक की ट्रॉफी है, तो आप ज़रूर पूरी सुनना अगर आप ट्रॉफी के लिए जाते हो तो. तो दैट्स अ थिंग एंड लेट मी नो आपको ये रिव्यू कैसा लगा एंड लेट इन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं अभी कोशिश करूँगा और रिव्यू बनाने की और जो भी मैं गेम खेलता रहूँगा. तो आई होप आपको इसमें मजा आएगा, तो लाइक करना एंड मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में. पीस फॉर नाइट.